Hello viewers, welcome to EasyFi Presents Crypto News, hashtag do more with DeFi. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉइनबेस के co-founder ने क्यों कहा कि 90% NFTs यानी कि non-fungible tokens की आने वाले 3 से 5 सालों में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर हम जानेंगे कि बिटकॉइन का हैश रेट 17% से क्यों गिरा। और आखिर में हम जानेंगे कि ईजी कॉइन अब यूनिफार्म के किस फार्मिंग कोहॉर्ट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेड अरसैम, कॉइनबेस के co-founder ने कहा कि 90% NFTs यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स की आने वाले 3 से 5 सालों में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि NFTs लेट 1990s की .com वेबसाइट्स की तरह हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि NFTs उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की तरह हैं जो ओवरनाइट क्रिप्टो हाइप पर बनाई गई हैं। आने वाले समय में दुनिया में करोड़ों क्रिप्टो प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे अभी करोड़ों वेबसाइट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में नहीं चल पाएंगे। इसके बावजूद NFTs क्रिप्टो मार्केट में तूफान की तरह चल रहे हैं। पिछले हफ्ते क्रिप्टोपंक, एक पिक्सेलेटेड डिजिटल फिगर जो कि पहला NFT है, वो $1.47 million यानी कि 10 करोड़ में ऑक्शन हुआ था। इसी के साथ स्केच AR एप्लीकेशन ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड आर्टिस्ट्स को अलाउ करेंगे कि आर्टिस्ट्स अपनी क्रिएशंस स्केच AR ऐप पर अपलोड करें, मिंट करें और उसे ऑक्शन करें NFTs में। अब जानते हैं बिटकॉइन की हैश रेट 17% से क्यों गिरा। चाइना के सिचुआन प्रोविंस ने क्रिप्टो की 26 माइनिंग फार्म्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का हैश रेट 17% डाउन हो चुका है। चाइना के सिचुआन प्रोविंस के इस डिसीजन से बिटकॉइन का प्राइस भी कम हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में शिनजियांग प्रोविंस की पावर आउटेज के बाद बिटकॉइन का हैश रेट 30% से और प्राइस $10,000 से गिर गया था। और इस बार बिटकॉइन का हैश रेट 17% से और प्राइस 5.7% से गिरकर $34,000 के नज़दीक आ पहुंचा है। BTC.com का डेटा शो करता है कि BTC.top 11th से 15th माइनिंग पूल पर पहुंच गया है और BTC.top का हैश रेट 51% गिर गया है और AntPool.com का हैश रेट 14% से कम हुआ है। इन पावर आउटेजेस के बाद बिटकॉइन का माइनिंग फ्यूचर चाइना में तो ब्राइट नहीं लग रहा, लेकिन बिटकॉइन ब्लॉकचेन की 65% कंप्यूटेशनल पावर जो है वो चाइना से आती है। सिचुआन प्रोविंस के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स की वजह से वहाँ के माइनर्स को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी और शिनजियांग प्रोविंस के माइनर्स के पास कोल पावर्ड चीप इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शंस अवेलेबल थे। दोनों ही जगह उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स कम रहती थी, पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि शिनजियांग ने तो 9 जून को ही कई माइनिंग फार्म्स को शट डाउन कर दिया था। और आप अगर जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन का बुल रन कब तक चलेगा तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम आते हैं ईजी कॉइन पर। व्यूअर्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि ईजी कॉइन अब अवेलेबल है यूनिफार्म के फार्मिंग कोहॉर्ट पॉलीगन पर। इसी के साथ EasyFi अपने ईजी कॉइन की नई अपॉर्चुनिटीज और नई यूटिलिटीज बनाना चाहता है। इस नई फार्मिंग अपॉर्चुनिटी के साथ आप एक कॉइन स्टेक करते हुए मल्टीपल कॉइन्स अर्न कर सकते हैं। यही फार्मिंग 21 जून यानी कि आज ही लाइव हो जाएगी। इसमें आपका स्टेकिंग पीरियड 90 डेज का होगा और एनुअल परसेंटेज यील्ड जो है वो 36 से 250% तक हो सकती है। इस अपॉर्चुनिटी में ईजी कॉइन का रिवॉर्ड पूल जो है वो $25,000 का है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी NFTs के बारे में क्या राय है। अपने व्यूज हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। और हम आपको एंड में वॉर्न कर देना चाहते हैं कि FinStreet कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस नहीं देता। अगर आपको कमेंट सेक्शन में या कहीं और हमारा नाम इस्तेमाल करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिले तो व्यूअर्स वो फेक होगी, उसे मत माने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नुकसान हो। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे फाउंडर बंदुल बंसल ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को 2 कोर्सेज में हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया है। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टोनाइट और क्रिप्टोनेक्स्ट। तो अगर आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और अगर आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को अलग एक्सचेंजेस पर कंपेयर करते हुए आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारी नई वेबसाइट www.hodlinfo.com पर लॉगिन करें और वहां पर आप अलग अलग एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस को कंपेयर करते हुए आर्बिट्राज ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।